सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं लगाऊंगी मेहंदी, वो भी इतना इजी तरीके से। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ है मेरे पास मेरा पार्सल, इसको मैंने मंगवाया था मीशो से। इसके अंदर है हमारी मेहंदी लगाने की स्टेंसिल्स, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आज के टाइम पे। आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपको परचेज़ करनी हो तो आप देख लेना। तो यहाँ मैंने इसको ओपन करा तो इसमें देखो स्टेंसिल्स इस तरीके से, पैकेजिंग वाइज ठीक था ये सारा सामान। और बात की जाए इसके डिज़ाइन की ना, इसमें बहुत सारे आपको डिज़ाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आया था, रोज़ वाला, तो मैंने ये वाला मंगवाया था। बाकी इसमें बहुत सारी वैरायटी है डिज़ाइंस की, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो ये मेहंदी स्टेंसिल है, तो इसके अंदर ना आपको इस पैकेट के अंदर दो स्टेंसिल्स मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड के लिए एक राइट हैंड के लिए। तो आज तो मैं सिर्फ एक ही हैंड पे यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है। दोनों हैंड पे अगर मैं करूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी वीडियो बनाने में, तो इसको सिर्फ मैं एक हाथ पे यूज़ करूँगी। तो इस स्टेंसिल को देखकर आपको लग रहा हो कि ये पूरे आपको हाथ पे पेस्ट कर लेनी है, पर आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इससे आपका डिज़ाइन जो है ना बहुत ख़राब हो जाएगा। पहले भी मैं सोच रही थी कि मैं पूरा इसको डायरेक्ट अपने हैंड पे पेस्ट कर लूँगी, पर मुझे लगा कि इससे डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको कट करके फिर पेस्ट करा था। पाम का अलग लगाया था, फिंगर्स का अलग लगाया था। तो सबसे पहले मैं अपने पाम में लगाऊंगी, तो जिस तरह से मैं कट करूँ ना उसी तरह से आप लोग भी कट करना, उसके बाद अपने हैंड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन को पेस्ट करना। तो बिल्कुल मैंने सेंटर में पेस्ट करा ताकि पूरा डिज़ाइन मेरा हाथ पे आ जाए। तो मैंने अपने पाम में तो लगा लिया, उसके बाद मैंने फिंगर्स में लगाया था एक एक। और अगर आप जाते हो ना मार्केट में मेहंदी लगवाने, तो आपके 200 रुपये या 250 रुपये ले लेते हैं वो दोनों हैंड्स के मेहंदी लगाने के लिए, बट जो इसका प्राइस है ना वो 77 रुपीज़ है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, 77 रुपीज़ का ये स्टेंसिल है। उसके बाद आपको 10 रुपीज़ का मेहंदी का कोन लेना है, तो ये मतलब आपका 80 या 90 रुपीज़ में दोनों हाथ में मेहंदी आराम से लग जाएगी। तो मैंने पेस्ट कर लिया, तो उसका मैंने यहाँ पर मेहंदी ली थी और इसके ऊपर डाल दी थी, और उसका फिंगर से मैंने इसको स्प्रेड करा था। बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करना है इक्वली, कहीं ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो आपका उससे ना थोड़ा कलर में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो इवनली स्प्रेड करके ना आपको इसको छोड़ देना आधा घंटे के लिए। आप चाहो तो मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो मेहंदी लगाने के तुरंत ही इसको, स्टिकर को निकाल सकते हो, पर मेरी आप एडवाइस लो तो इसको ऐसे मत निकालना, इसको पहले ड्राई होने देना मेहंदी को, उसके बाद इस स्टिकर को रिमूव करना। तो आधे घंटे के लिए अपने हैंड को छोड़ दूंगी ड्राई होने के लिए। आधे घंटे बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, तो इसको मैंने स्टिकर को रिमूव कर लिया था पूरे हैंड में से, मैं इसको हटा लूँगी, उसके बाद मैं अपने हैंड को वॉश करूँगी। तो अभी तो डिज़ाइन थोड़ा ऐसे ही लग रहा था कि नहीं आया, कहीं कहीं लग रहा था कि आया है, कहीं कहीं लग रहा था नहीं आया, पर जब मैंने इसको वॉश करा ना डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करने का कलर देखो ये आया था, डिज़ाइन भी प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा था। मैंने कोकोनट ऑयल लगा के अपने हैंड को छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। तो देखो इस टाइम पर कलर थोड़ा डार्क हो चुका था और डिज़ाइन भी विजिबल हो रहा था इस टाइम। आप लोगों को ना वीडियो में इतना सारा समझ नहीं आएगा ये डिज़ाइन, बट ये रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत 3D इफेक्ट लग रहा था मेहंदी में, बिल्कुल रोज़ वाले प्रिंट थे ये सारे। तो मुझे तो ये मेहंदी स्टेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी आप लोग भी इसको ज़रूर परचेज़ करना। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।